Assalamualaikum ji, my name is Mehmood Akber. On a special request from Asa Sheikh on OnePlatter.com, he has requested me to give you the best recipe that I know about Shami Kabab. So today we are going to do just that, and we're trying to make it very simple so everybody can follow it. To carry on, let me just take you through the process. Also, Yaqub, with me is also Yaqub. He has been with me for 25 years. He is my cook here, so he's going to help me also. We have half a kilo boneless mutton. We'll put that in the pot. Then we have half a cup of soaked dal. It's actually, sorry, one cup of soaked dal. Then 3 cups of plain water. Then we have 2 medium potatoes, 1 medium peeled onion whole. We will add 8 to 10, these are 10 whole chilies, 1 tablespoon red chilies, and 2 teaspoons salt. इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करके, और अभी ढकना नहीं आपने डालना, क्योंकि इसको एक उबाला आ जाए. उबाला आने के बाद फिर हम इसके ऊपर ढकना डाल के आधा घंटा पकाएंगे. आधा घंटा पकाने के बाद आलू पक जाएंगे, उबल जाएंगे, उनको हम बाहर निकाल लेंगे और 15 मिनट फर्दर बनाएंगे ताकि गोश्त और दाल गल जाए. जब गोश्त और दाल गल जाएगी, वी वुड मेक श्योर दैट द होल मिक्सचर इज़ वेरी ड्राई. ये अब आप जैसे देख रहे हैं, इसको उबाला आना शुरू हुआ है. जैसे ये उबाला आ गया है, हम इसकी आग थोड़ी सी दरमियानी करके तो इसके ऊपर हम ढकना दे देंगे. अब ये हमारा मिक्सचर जो है जी, ये तैयार हो गया है. ये और थोड़ा सा हमने इसको ठंडा होने दिया है. थोड़ा सा वार्म रहेगा, बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, मगर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हमने इसको लेना. ये अब हमारा मिक्सचर ये आपके सामने है. ये बिल्कुल इस तरह ड्राई होना चाहिए. इसको हम 3 बैचेस में डोरी डंडे में निकाल के तो इसको अब हम पीस कूटेंगे. चलो यार, तकरीबन 3 से 4 मिनट पीस कूटने के बाद ये मिक्सचर आपका बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गया है. ये हमने पहला जो बैच है ये निकाल लिया. इसको अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं फूड प्रोसेसर में, मगर जो इसके अंदर जो इसका टेक्सचर बनता है वो फूड प्रोसेसर में अनफॉर्चुनेटली नहीं बनेगा. ये जो शामी कबाब हम बना रहे हैं, ये है मटन के गोश्त से. शामी कबाब जो आमतौर पर लोग बनाते हैं वो बनाते हैं कीमे से, मगर जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट बनता है वो गोश्त से है, क्योंकि गोश्त से बनने में उसकी वो जो पेस्ट बनती है वो ज़रा टेक्सचर उसका बहुत स्मूथ या बेहतर बनता है. इसकी स्टोरी जो ओरिजिन की है वो ये थी कि लखनऊ के नवाब साहब थे, नवाब साफुद्दौला. उन्होंने काफ़ी फूड प्रमोशन इंडियन फूड के लिए, उन्होंने क्विजीन के लिए काफ़ी काम किया. उनके काफ़ी खनसामे थे, वो काफ़ी उन खनसामों के थ्रू मुख्तलिफ फूड बनवा के प्रमोट करते थे. जब वो थोड़े से बूढ़े हुए तो उनके दांत रह गए, तो वो गोश्त वगैरह खा नहीं सकते थे. तो उनका एक फेवरेट जो कुक था, उसने नवाब साहब के लिए इसी तरह गोश्त लेके गला के उसकी पेस्ट बना के शामी कबाब बनाए, क्योंकि नवाब साहब को शाम को ड्रिंक के साथ खाने की आदत थी. तो उन्होंने ऐसा ये पेस्ट बना के कबाब बनाए कि नवाब साहब शाम को ये कबाब खा सकते थे और गोश्त फिर भी इंजॉय कर सकते थे. ये है ओरिजिन. बेसिकली एक स्टोरी यही है कि जी शामी कबाब का स्टार्ट यहाँ से था. ये दूसरा भी हमारा बैच पेस्ट बन गया है. अब इसी में ही हमने ये जो 2 आलू उबाले थे वो हमने डाल दिए. अब इनको भी इतना मैश कर लेंगे कि इसमें लम्स ना रहे.
अब ये हमारे पास पेस्ट तैयार है जो हमने कीमा और आलू की जो बॉईल किया था, अब हमने इसको हाथ से इसमें ये बाकी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हमने इसमें एक टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, एक टीस्पून बारीक कुटी हुई हरी मिर्च, एक टेबलस्पून पिसा हुआ बारीक पिसा हुआ अदरक और दो टेबलस्पून हरा धनिया बारीक पिसा हुआ। इसके अंदर अब हमने दो अंडे साबुत दरमियाने, हमने देसी लिए हैं, आप कोई अंडा भी ले सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अभी भी आप मिक्स करते हुए ये फील करेंगे कि थोड़ा सा ये वार्म है, क्योंकि हमने वार्म मिक्सचर को पीसना पसंद किया था, वार्म मिक्सचर की वजह से उसको पीसना आसान था। अभी आप देख रहे हैं कि मिक्सचर हमारा तैयार है, इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है, हमारा नमक हर चीज ठीक है। अब हम थोड़ा सा पानी लेके प्याले में 75 ग्राम्स का एक बॉल बना के वज़न करके, हाँ 75 ग्राम्स का, अब हमने इसका थोड़ा सा हाथ अगर गीला कर लें तो चिपकेगा नहीं, हमने इसका 75 ग्राम्स हमने लेके इसका हमने एक शामी कबाब का पैटी बना लेना। ये अब हमारे पास 75 ग्राम की ये पैटी आ गई। इसी तरह हम बाकी मिक्सचर के ये 75 ग्राम के पैटीज बना के इस ट्रे में रख लेंगे। ट्रे में रखने के बाद हम इसको फ्रिज में डालेंगे आधे घंटे के लिए, थोड़े से ये ठंडे हो जाएं और उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये अब हमने 75 ग्राम ईच के पैटीज बनाए हैं, जो कुल मिक्सचर जो हमारा था वो आधा किलो से हमने शुरू किया था मटन से, और ये 17 हमारे पास ये पीसेस बने हैं। अब इनको हम 20 मिनट से आधे घंटे के लिए इनको अब हम फ्रिज में रखेंगे। ये अभी भी थोड़े से वॉर्म है टच पे, ये थोड़ा सा चिल होने के बाद ये थोड़ा सा टाइट होंगे ताकि फ्राइंग में ये अपनी शेप रख सकें और ये खुले ना और ये टूटे ना। अब जो हमने फ्रिज में आधा घंटा कबाब जो चिल करने के लिए रखे थे वो हमने निकाले हैं, हमने एक हैवी ड्यूटी नॉनस्टिक फ्राइंग पैन लें, मीडियम उसकी आग रखें और उसमें आप सनफ्लावर ऑयल, नॉर्मल ऑलिव ऑयल, कोई नॉर्मल सा न्यूट्रल ऑयल आपने यूज़ करना है, और इसमें बहुत ज़्यादा हमने कबाब नहीं डालने, इतने डालने हैं कि तेल को वो जल्दी ठंडा ना होने दें। चार चार करके हम इनको करते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी पलटने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड आप इसकी आराम से होने दें पलटें और दूसरी साइड को बस तल लें। इनको ज़रा सा हल्का सा हिलाया करें नीचे ताकि नीचे से चिपके ना। टोटल फ्राइंग 3 से 4 मिनट आपकी होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा थोड़ा सा आप इसको उठा के देख लें, और जैसे ये एक साइड जैसे अब आप देख रहे हैं अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इनको अब आप बारी बारी करके पलट लें। कई लोग इस पे अंडा लगाना पसंद करते हैं, मेरे लिए इनको सादा तलना बेस्ट है। अब ये हो गए, आपने किचन पेपर या टिश्यू पेपर लेके प्लेट में रख के आप इनको बारी बारी निकाल लें। ये देखें दूसरी साइड भी इसकी अच्छी हो गई है। इसी तरह हम इसका दूसरा बैच भी तल लेंगे। तलने के बाद ये इनकी शक्ल आनी चाहिए आपके पास।
Ladies and gentlemen, this is my recipes of Shami Kabab. Shami Kabab to die for. These have been made today very simply, and there's been specially the recipe has been prepared today for OnePlatter.com and for my special friend Asad Sheikh. And just between you and me, this is going to go with him for his iftari. I hope he enjoys it, and you can hear his comments after he has had his iftari this evening. Thank you.